तो बोल करते पद में खिला देंगे सारी बात के विरोध। सनातन हिंदू इतिहास में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को सबसे अधिक पराक्रमी और शौर्यवान माना गया है। सूर्यवंश में पुरुषोत्तम सियावर राजा रामचंद्र और उनकी राजधानी अयोध्या को सर्वोच्च स्थान दिया है। और चंद्रवंशी राजाओं में सम्राट भरत जिनके पराक्रम के तेज को देखकर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगर हम अपनी सभ्यता का सबसे पुराना साहित्य खोजे और देखे तो उसमें चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी वाराणसी मिलती है, लेकिन बाद में ये राजधानी प्रयाग बदलनी पड़ी क्योंकि काशी बस उस एक शिव साक्षात विश्वेश्वर की नगरी है जिसके काश और ताप के सामने फुवारे वाले तो भूल जाओ, किसी भी जीव आत्मा की खड़े मात्र होने की हिम्मत नहीं है। काशी का कण कण विश्वेश्वर शिव का था, है और आदि काल तक रहेगा। प्रभु श्री राम की अयोध्या थी, है और जब तक सनातनी जिंदा है राम नाम की ही रहेगी। इसलिए इस धरती पर जहाँ कहीं भी हिंदू है वो अपने आसपास एक काशी, एक अयोध्या और एक मधुरा जरूर बसाएंगे। अयोध्या सभ्यता में शौर्य के लिए, काशी ज्ञान के लिए और कृष्ण की मदुरा या याद दिलाने के लिए कि हमें अपनी सभ्यता में संपन्नता की साधना करनी है। आज ये ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर किसी के प्रति हमारा कोई सेलेक्टिव द्वेष नहीं है। हमारी अभी तक ये लड़ाई किसी फुवारे वाले या किसी विशेष वर्ग समुदाय से न थी न है। हमारा यह संघर्ष या बलिदान अपनी खोई हुई सभ्यता और अपने इन तीनों नगरों के पुनर्वास को लेकर है। अब हिंदुओं के लिए खास ज्ञान व्यापी वाली ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सनातन सभ्यता के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी जगह विद्यमान है और यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। स्वयं भगवान शिव प्रकाश के रूप में इन ज्योतिर्लिंगों में विराजमान है। लेकिन इस देश में हिंदुओं की श्रद्धा, मान्यता और आस्था के साथ क्या हुआ है? आजादी के बाद इस देश ने सेकुलर के नाम पर हिंदुओं के केवल और बस चुत्तड़ मारे हैं। नवंबर 12, 1947 सरदार पटेल ने यह घोषणा करी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण होगा। यह बात नेहरू को पसंद नहीं थी, बल्कि उन्होंने केएम मुंशी को यहां तक बोला कि मुझे सोमनाथ को पुनर्स्थापित करने की आपकी यह कोशिश पसंद नहीं है, यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। खैर, गांधी जी से बात होकर यह फैसला हुआ कि हिंदू अपने पैसों से इस मंदिर का खर्च वहन करेगा। मात्र सोमनाथ नहीं था, सरदार पटेल ज्ञान व्यापी मस्जिद को भी रिलोकेट कर काशी विश्वनाथ का भी पुनर्निर्माण चाहते थे। लेकिन 1948 में गांधी जी की हत्या और 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। अब इतने सालों की तपस्या के बाद आजाद भारत की कमान ऐसे हाथों में थी। तो सोमनाथ को तोड़ने, उसे लूटने वाले गजनवी के बारे में लिखता है कि वो कोई कट्टर धार्मिक इंसान नहीं था, वो एक सैनिक था, एक शानदार सैनिक। 1951 प्रधानमंत्री नेहरू राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लिखते है कि मुझे सोमनाथ के भव्य उद्घाटन में आपके जाने का विचार पसंद नहीं है। तक कि सभी मुख्यमंत्री को बोला गया कि यह सबको समझ आना चाहिए कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद नेहरू को लिखते हैं कि मैं अपने धर्म में विश्वास रखता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। 11 मई 1951 राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ का भव्य उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री का सख्त आदेश था कि राष्ट्रपति के भाषण की एक भी खबर ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं चलनी चाहिए। कुछ इस तरह धर्म के आधार पर बटे इस भारत देश में हिंदुओं को अपना सोमनाथ मिला था और आज ये हमें ज्ञान वापी पर सेकुलर और कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। 23 अप्रैल 1985 साहबानों के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि साहबानों को तलाक के बाद भी 180 रुपए हर महीना दिया जाए। इस फैसले को इस्लामिक मामले में दखल बताकर संविधान चहेते शांति प्रिय लोगों ने एक साल तक पूरे देश में बवंडर मचाया। और तभी 1986 उस समय के प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म की एक नई मिसाल पैदा करते हैं। कोर्ट के उस फैसले को खत्म करने के लिए संसद के अंदर खास मुसलमानों के लिए एक नया कानून पारित किया। साहबानों जीत कर भी हार गई और यह संविधानीकरण राष्ट्र सेकुलरिज्म का खुलेआम नंगा नाच देखता रहा। और हमें आज हमें यह संविधान की धारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हमें पढ़ा रहे हैं। साल 1991 अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर और नारा बस एक था, अयोध्या तो बस जाकी है।
है काशी मथुरा बाकी है। देश की सारी सरकारी ताकतें एक होकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने लगी। कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलाई, राम नाम को काल्पनिक बताया गया, माँ सीता के चरित्र का उपहास उड़ाया और कांग्रेस ने तो इन सबके ऊपर सेकुलरिज्म की एक और नई मिसाल पैदा कर दी। वर्ष 1991 संसद के अंदर एक कानून पारित किया गया, दिनांक 15 अगस्त 1947 के बाद जो पूजा स्थान जैसा था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। इस देश के हिंदुओं के माथे पर सी लिखा हुआ है क्या कि आप इमरजेंसी लगाकर संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ोगे और ये देश सेकुलर बन जाएगा? विशेष वर्ग की वोट पाने के लिए वर्शिप एक्ट बनाओगे और हमारा ज्योतिर्लिंग फुव्वारा हो जाएगा और उल्टा शिवलिंग का मजाक उड़ाकर हमारे मुंह पे हंसोगे? जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कई को कर रहे हैं? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? मौका था हमारे पास भी 4 साल तक हंसने का। 1946 87% सीट मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताई। परिणाम स्वरूप 1947 में हिंदू और मुसलमान के आधार पर यह देश 2 देशों में बट गया। वोट सबने दी थी लेकिन बंटवारे के बाद मुश्किल से 2-3% यूपी बिहार से पाकिस्तान गए। ये संविधान का ज्ञान बहुत देते हैं लोग। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने खुद बोला था कि ये पार्टीशन तभी सफल होगा जब तक भारत से हर एक मुस्लिम पाकिस्तान पहुंचे। कितने गए? संविधान 1951 में लागू हुआ, धाराएं 1951 में लिखी गई और बंटवारा 1947 को। ये शिवलिंग वाले ही थे जिन्होंने हंसने की बजाय आपको अपनाया। औरतों की चीखें, लूटे हुए घर और कटी हुई लाशों के बीच अपने घरों के दरवाजे आपके लिए खोले। जो स्थान जैसा था उसे वैसा रहने दिया ताकि आजाद भारत साथ मिलकर भव्य निर्माण करेगा। हमने बस 3 दिव्य स्थान मांगे, एक को आपने काल्पनिक बता दिया, दूसरे को फुव्वारा। हिंदुओं ने हमें ऐसा अपने धर्म से पहले इस राष्ट्र को प्राथमिकता दी है, इसलिए अखंड भारत की चेतना भगवे को छोड़ तिरंगे को राष्ट्र ध्वज अपनाया। इस मिट्टी के कण-कण से आने वाली आवाज भारत के बावजूद भी इंडिया नाम स्वीकृत किया। और हमें क्या मिला? एक ऐसी जमात जो हर समय पत्थर लिए तैयार है। CA पर ये पत्थर फेंकेंगे, 370 पर ये पत्थर फेंकेंगे, इसराइल में कुछ होगा पत्थर यहाँ फेंकेंगे, शोभा यात्रा, हनुमान जयंती, आर्मी और शिवलिंग की बात पर ये पत्थर फेंकेंगे। आपकी मेहनत, नौकरी, पैसा और आलिशान घर बस एक झटके में उन पत्थरबाजों का होगा। ऐसा कश्मीर में हुआ है, कैराना में हुआ है या बंगाल ने देखा है, और ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा, इसकी गारंटी संविधान भी नहीं देता। पिछले 10 दिन से नुपुर शर्मा के नाम पर देश में जो चल रहा है, अगर अंधे हो तो फिर भी दिख जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या है। एक आखिरी बार अगर सोए हुए सनातन हृदय में थोड़ी भी चेतना बची हो तो इस राष्ट्र की हवा को भी सनातन हिंदुओं की एकत्र शक्ति का एहसास होना चाहिए। और हाँ, हमारी सामूहिक शक्ति पत्थर उठाने या फेंकने में नहीं है। जब आखिरी बार सनातनियों ने एकत्र होकर पत्थर उठाए थे तो राम सेतु नाम से 2 देश आपस में जोड़ दिए थे। 6 जुलाई विश्वेश्वर तो काशी निवास स्थान अपना ले ही लेंगे, लेकिन ब्लास्फेमी बेहद भी बहुत शोर मचाए इस देश में। अगली वीडियो बहुत तकलीफ देगी, लेकिन हिम्मत रखना सच सुनने की। आपका साथ, आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस यज्ञ को, सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को आगे और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित कर सकूं, तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।